में सख्त नियमों की वजह से एप्पल अपने आईफोन को तैयार करने के लिए लगातार भारत पर फोकस कर रहा है। ऐसे में आईफोन को तैयार करने वाली फॉक्सकॉन कंपनी तेलंगाना में नया प्लांट लगाने वाली है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष यंग ल्यू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात भी की और कहा जा रहा है कि इससे अगले 10 सालों में 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ताइवान की मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ये प्लांट तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में कोंगारा कला में स्थापित करेगी। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन यंग ल्यू ने 2 मार्च को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, जैसे कि हमने आपको बताया, मुलाकात की थी और दोनों के बीच ये सहमति हुई कि इस प्लांट को स्थापित करने के बाद जो है कंपनी 1,00,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देगी। और रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लांट को स्थापित करने के लिए फॉक्सकॉन करीब $700 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण चीन से मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और कोरोना महामारी के बाद एप्पल समेत कई अमेरिकी टेक दिग्गज जो हैं वो चीन के बाहर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के विस्तार पर काम कर रहे हैं। भारत में फॉक्सकॉन का ये इन्वेस्टमेंट अब तक का उसका सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट है। फॉक्सकॉन कंपनी की शुरुआत 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ताइवान के न्यू ताइपे के तुचेंग में है। दुनिया भर में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कंपनी है फॉक्सकॉन। सबसे ज्यादा कमाई इसकी चीन से ही होती है। 2015 में फॉक्सकॉन ने घोषणा की थी कि वो भारत में 12 फैक्ट्रियां डालेगी और लगभग 1,00,000 नौकरियां पैदा करेगी। फॉक्सकॉन ने अडानी ग्रुप के साथ काम करने की भी इच्छा जताई थी। अगस्त 2015 में फॉक्सकॉन ने स्नैपडील में निवेश किया। फिर सितंबर 2016 में फॉक्सकॉन ने जियोनी के साथ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। अप्रैल 2019 में फॉक्सकॉन ने बताया कि वो भारत में बड़े पैमाने पर नए आईफोन का उत्पादन करने के लिए तैयार है। घोषणा हुई कि प्रोडक्शन चेन्नई के श्रीपेरुम्बदूर में होगा। सितंबर 2022 में फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ मिलकर गुजरात में एक चिप बनाने वाले प्लांट लगाने की डील पर भी साइन किए। फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आईफोन असेंबल करती है। आईफोन के पार्ट्स दुनिया के कई अलग अलग सप्लायर्स से खरीदे जाते हैं। सारे पार्ट्स को फॉक्सकॉन की चीन स्थित फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। चीन के जेंगजू के इस प्लांट को आईफोन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 3,50,000 कर्मचारी काम करते हैं जो हर मिनट औसतन 350 आईफोन बनाते हैं। वहां से पैकिंग के बाद इनको दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता है। फॉक्सकॉन के अलावा एप्पल के 2 और सप्लायर भारत में काम कर रहे हैं, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। एप्पल ने 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। इसके 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी कि EMS पार्टनर फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन है। आईफोन SE के बाद भारत में आईफोन 11, 12 और 13 की मैन्युफैक्चरिंग भी की गई।